कॉमर्स क्लासेस आज हम ग्रीन गवर्नेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ग्रीन गवर्नेंस एक टॉपिक है उसके अंदर देखेंगे ग्रीन इनिशिएटिव्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो लेट स्टार्ट दिस टॉपिक ग्रीन इनिशिएटिव्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कैसे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ग्रीन गवर्नेंस को फॉलो कर सकते हैं, ग्रीन इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। तो फर्स्ट है सर्टिफिकेशन ऑफ ई फॉर्म्स अंडर द कंपनीज एक्ट बाय द प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स। तो हम ई फॉर्म में जो है कंपनीज के जो भी सर्टिफिकेट वो इशू करें कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो कि अब प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स हों उनके द्वारा। जैसे कि अगर रजिस्ट्रार की बात करें तो उनके भी अब डिजिटल सिग्नेचर आ जाते हैं, डायरेक्टर के भी DIN डिजिटल सिग्नेचर आते हैं, तो उसके अंदर हम ई फॉर्म में जो है कोई भी सर्टिफिकेट इशू करें। इससे क्या होगा कि पेपर के कंजम्पशंस कम होंगे, टाइम भी कम होगी। सेकेंड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी फॉर शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंस करने की फैसिलिटी दे जाए। इससे क्या होगा, कहीं कहीं के शेयर होल्डर्स जो वोट करने के लिए आते हैं या मीटिंग को अटेंड करने के लिए आते हैं, बहुत सारे वेस्ट मनी वेस्ट तो करते हैं, साथ में फॉसिल फ्यूल्स वगैरह डीजल्स वगैरह भी वेस्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा, उनके टाइम भी सेफ होंगे, प्लस उनके नेचुरल रिसोर्सेज जो वेस्ट करें वो भी सेफ होगी और वो पार्टिसिपेट भी करेंगे फास्ट वे में। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करे जाए। तो उसके लिए कंपनी शैल प्रोवाइड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी वेयर एवर अ डायरेक्टर हैज़ गिवन हिज कंटेंशन इन राइटिंग। लेकिन उसके लिए डायरेक्टर को अपना एक कंटेंशन उनकी एक चीज़ फॉर्मेट में रिटर्न में देनी होगी कि हाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा शेयर होल्डर्स मीटिंग या फिर वोटिंग जो है अटेंड कर सकते हैं। फिर आती है इन ऑर्डर टू अश्योर अ सिक्योर प्लेटफॉर्म फॉर ई वोटिंग, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA हैज अप्रूवल टू एजेंसी नेमली NSDL एंड CDL। और इस तरह के ई वोटिंग के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने भी दो एजेंसीज को अप्रूव किया कि हाँ वो इस चीज़ से रिलेटेड देखभाल करेंगे। उनका नाम था NSDL एंड CDS है। ये जो है शेयर होल्डर्स के भी काम देखते हैं, डिपोजिटरी वगैरह जो है। फिर आती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी फॉर डीमेट अकाउंट जो है इसके द्वारा ऑपरेट की जाती है, आपको पता ही होगा। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी फॉर डायरेक्टर, डायरेक्टर के लिए भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी दी जाए। इस फिर नॉट मैनेडेटरी फॉर कंपनीज, ये जरूरी नहीं है कि मैनेडेटरी की जाए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी दी जाए, लेकिन कंपनी को सजेस्ट किया गया कि हाँ आपको देनी चाहिए। और इसके लिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की डिटेल्स जो है एक मीटिंग की जो भी नोटिस होंगे उसमें उसको मेंशन करना होगा कि हाँ ऐसे ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है मीटिंग होगी। फिर आती है सेंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्ट रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट्स एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर कमिटीज वगैरह के रिपोर्ट बनते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा सेंड किया जाए। इसके लिए क्या क्या जरूरत हो जाएगी, तो ईमेल एड्रेस होनी चाहिए, वेबसाइट जो है ऐसे डिज़ाइन हो जो कि ईजी वे में डॉक्यूमेंट्स एंड नोटिस को एसेस कर सके। फिर आता है इन ऑर्डर टू कट टाइमलाइंस एंड अनदर स्टेप्स टुवर्ड ग्रीन इनिशिएटिव, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज डेट ऑल सर्टिफिकेट्स एंड स्टैंडर्ड लेटर्स विल नाउ बी इशूड इलेक्ट्रॉनिक अंडर द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ ROC। ROC ने भी टाइम कम लगे और पेपर लेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए जो है इन्होंने भी बोला कि हम जो भी सर्टिफिकेट या कोई भी स्टैंडर्ड लेटर्स जो हैं उसको हम अपने अंडर डिजिटल सिग्नेचर के अंदर ऑनलाइन ही पब्लिश सब करेंगे। इन दिस रिगार्ड मिनिस्ट्री हैज़ ऑलरेडी डेवलप मेनी सच डिजिटली साइंस सर्टिफिकेट। और MCA ने मिनिस्ट्री ने भी काफ़ी सारे सर्टिफिकेट इसके अंदर जो है इशू किए गए थे जो कि अंडर MCA 21 के अंदर इम्प्लीमेंटेड है। कुछ इस तरह की जैसे फॉर्म INC 7 जो है वो इनकॉर्पोरेशन के एप्लीकेशन के लिए कंपनी का, अदर देन OPC 1% कंपनी। फॉर्म INC 24 जो है एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर नेम चेंज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होती है, जैसे कि हम जानते हैं MOA में मेमोरियल एसोसिएशन में हम पढ़े हुए हैं क्लॉजेज में कि अगर नेम चेंज करना हो तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो उसके लिए फॉर्म INC 24 है। फॉर्म FC 1 जो है लिस्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल प्लेसेज ऑफ बिजनेस इन इंडिया, स्टेबलाइजर फॉरन कंपनी,
जो भी फॉरेन कंपनी इंडिया में स्टेब्लिश है उनके जितने प्रिंसिपल प्लेसेस हैं उनके लिस्ट इसमें होते हैं, एंड बहुत सारे फॉर्म्स जो हैं जो कि सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपॉन चेंजेस ऑफ स्टेट अल्टरनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज ईटीसी इनसे रिलेटेड भी ऑनलाइन जो है सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री के द्वारा इशू किए गए हैं. In order to cut timelines and another steps toward green initiatives, application for DIN shall be made on e-form and fee payment shall also be made online. Director identification number DIN जो है उसको भी जो है ऑनलाइन अब उनको प्रोवाइड किया जाता है, और इससे क्या होगा फास्ट होगा और फी भी हम जो है ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, तो इससे क्या होगा DIN के अलॉटमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेम डे भी मिल जाएगी, इससे फास्ट सर्विसेज होगी. The MCA has taken an initiative with respect to MCA fees since it is found to be major bottleneck in delivery of service in respect of offline payment made by physical chalans. अभी क्या होता था physical chalans में काफ़ी time लगता था, जाना पड़ता था, line लगने पड़ते थे, कभी कभी तो दो तीन दिन भी लगते रहते थे, लेकिन online होने के कारण जो है अब ये fast payment होने लगी, इस तरह fast services वो provide कराना start कर दिया MCA ने. फिर आती है द मिनिस्ट्री हैड डिसाइडेड टू अप्रूव सम फॉर्म्स अंडर STP स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस मोड विच विल रिड्यूस द डॉक्यूमेंटेशन वर्क ऑल्सो. मिनिस्ट्री जो है STP के द्वारा जो है कुछ चीज़ें जो है अप्रूव करना शुरू कर दिए जिससे डॉक्यूमेंटेशन के जो वर्क होते हैं वो फास्ट हो गए और कुछ वर्क तो रिड्यूस भी हो गए, कुछ कुछ काम तो करने भी नहीं पड़ते थे ऑनलाइन करने के कारण. According to revised guidelines for the name availability of application, अभी क्या है कि कंपनी के हम name availability select करने के लिए चेक करना पड़ता था, application देना पड़ता था, नहीं होता था फिर दूसरा application देना पड़ता था, कभी name author जैसे statutory body का कोई name उठा नहीं सकते, बहुत सारे clauses हैं कि name select करने में. अभी online जो है हम अपने name देख सकते हैं कि क्या क्या जो हम select किए name वो available है, कैसा तो नहीं है वो name किसी और ने use कर रखा है, अपने नाम पर patent करा रखा है, तो इस तरह हमें ऑनलाइन वो चीज़ें प्रोवाइड कराई. पहले ऑनलाइन नहीं थी तो पेपर वर्क करते थे, फिर कैंसिल होता था, फिर और पेपर वर्क करते थे, तो उस सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम दूर हो गई और उनकी फ़ी भी अब हम ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट हमारी है इन ऑर्डर टू कट टाइमलाइंस इन गिविंग अप्रूवल द मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू सिंप्लीफाई द प्रोसीड्यूर्स एंड गिव अप्रूवल ऑनलाइन. कम टाइम लगे इसके लिए मिनिस्ट्री ने भी डिसाइड किया कि जो प्रोसीड्यूर है उसको सिंपल किया जाए और ऑनलाइन उनको अप्रूवल दी जाए. इफ़ द प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. अगर वो कोई प्रपोजल है जो जनरल मीटिंग में अप्रूव हो गया हो स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा शेयर होल्डर्स ने किया हो तो उसको आराम से उसको सिंप्लीफाई करके उसको अप्रूवल भी दिया जा सकता है मिनिस्ट्री के द्वारा भी. सो इस तरह करके हम जो है टाइम भी कम कर सकते हैं, ग्रीन इनिशिएटिव की तरह फॉलो भी कर सकते हैं, पेपर का कंजम्पशन कम से कर सकते हैं, एनर्जी वेस्ट कम कर सकते हैं, तो इस तरह हम ग्रीन इनिशिएटिव फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू.